बचपन का प्यार गाने से रातों रात पॉपुलर हुए छत्तीसगढ़ के सहदेव दिर्दो इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल सहदेव एक रोड एक्सीडेंट के शिकार हो गए थे और हादसे में उन्हें गंभीर चोट आई थी। एक्सीडेंट के बाद घंटों वो बेहोशी की हालत में थे और उन्हें जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। सहदेव की हालत में पहले के मुकाबले सुधार हो रहा है। वो अब बातचीत कर रहे हैं और खा पी भी रहे हैं। अब उन्हें रायपुर के अच्छे अस्पताल में भी भर्ती किया जा रहा है ताकि उनका इलाज और अच्छी तरह से हो सके। हादसे के बाद सहदेव को सुकमा के जिला अस्पताल में भेजा गया था जहां उनके सिर पर 5 टाके लगाए गए थे। इसके बाद सहदेव को जगदलपुर के अस्पताल में भेजा गया जहां उन्हें 12 घंटे तक ICU में रखा गया था। सहदेव की हालत अब पहले से ठीक है और वह बातचीत भी कर रहे हैं। सिटी स्कैन की रिपोर्ट के मुताबिक सहदेव को सिर के अंदर चोट नहीं लगी है। डॉक्टर्स का कहना है कि बहुत जल्द उनका जख्म भर जाएगा और वह स्वस्थ हो जाएंगे। मंगलवार को सहदेव अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव जा रहे थे। उनके पिता बाइक चला रहे थे और वो पीछे बैठे थे। इसी बीच उनके पिता अपना नियंत्रण खो बैठे और फिर दोनों एक्सीडेंट के शिकार हो गए। एक्सीडेंट में सहदेव के सिर पर गंभीर चोटें आईं और उनके बेहोश हो जाने से परिवार वाले भारी चिंता में थे। उन्हें लग रहा था कि सहदेव के सिर में अंदरूनी चोट तो नहीं लग गई। वहीं अब रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद उनके परिवार वाले सुकून में हैं। और अब जब सहदेव को होश आ गया है और वह बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में उनके फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है। सहदेव के साथ बचपन का प्यार वीडियो बनाने वाले बादशाह भी उनके लिए बहुत चिंतित थे। उन्होंने ट्विटर पर सहदेव के लिए चिंता जताई थी और लिखा था, सहदेव के परिवार और दोस्तों के संपर्क में हूँ, वह बेहोश है, अस्पताल ले जा रहे हैं, मैं उसके लिए वहाँ हूँ, आपकी दुआओं की जरूरत है। सहदेव के एक्सीडेंट की खबर सुन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सहदेव को बेहतर इलाज देने के आदेश दिए थे। छत्तीसगढ़ सरकार की पूरी कोशिश है कि सहदेव को अच्छा इलाज मिले। बता दें इस साल सहदेव सोशल मीडिया स्टार बनकर उभरे हैं, जहां देखो उनका सॉन्ग बचपन का प्यार चर्चा बटोर रहा था। बता दें सहदेव के स्कूल टीचर ने 2019 में उनका एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था और इसी वजह से वह रातों रात स्टार बन गए थे। इस वीडियो में सहदेव अपनी क्लास के अंदर बचपन का प्यार गाना गाते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि उनकी आवाज काफी लड़खड़ा रही थी, लेकिन सहदेव का वीडियो लोगों को काफी पसंद आया था। इसके बाद बादशाह ने उनसे संपर्क किया और बचपन के प्यार के गाने को अपने अंदाज में बनाया। वीडियो में सहदेव और बादशाह ने साथ में डांस किया था। बचपन का प्यार गाना इतना हिट हुआ कि बॉलीवुड और टीवी स्टार्स ने जमकर इंस्टा रील बनाए। सहदेव को इंडियन आइडल समेत कई रियलिटी शोज में मेहमान बनाया गया था। सहदेव अब एक जानी मानी हस्ती बन चुके हैं। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है।